गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयपाल यादव आज आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम हरियाणा की कुछ एक चर्चित महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हरियाणा की कुछ चर्चित महिलाएँ, लिख लीजिएगा प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी और उसमें भी आपकी कौन महिलाएं, हरियाणा की कुछ एक चर्चित क्या महिलाएं। इसमें पहला नाम आता है आपका चंद्रावती। अगर मैं बात करूं चंद्रावती, तो इनका जन्म 1928 1928 में डालावास चरखी दादरी में हुआ। डालावास चरखी दादरी रहा है इनका जन्म स्थान, बर्थ पैलेस। क्यों फेमस है चंद्रावती? चंद्रावती इसलिए फेमस है क्योंकि ये हरियाणा की पहली महिला विधायक रही है, फर्स्ट वोमेन MLA, महिला विधायक। ये 1964 और 1966 में MLA बनी। 1964 में तो आपका पंजाब था, तब हरियाणा का निर्माण ही नहीं हुआ था, और 1966 में जब हरियाणा बना तो उसकी पहली महिला विधायक बनने का श्रेय जाता है आपकी किसको? चंद्रावती को। इसके साथ साथ चंद्रावती हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, आपको पता है हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला वकील भी आपकी बनी है कौन? चंद्रावती। पहली महिला वकील भी बनी है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की आपकी कौन? चंद्रावती। 1977 में, ये बात है इमरजेंसी के लगने की, 1977 में आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और जनता पार्टी का वर्चस्व आया और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय हरियाणा जनता पार्टी की अध्यक्ष भी कौन थी उस समय? इसकी अध्यक्ष भी कौन बनी? चंद्रावती। तो हरियाणा जनता पार्टी की क्या रही है? अध्यक्ष। और इसी टाइम पीरियड में 1977 में इन्होंने 2,00,000 से अधिक मतों से भिवानी से और चौधरी बंसीलाल को हराया। किसने? चंद्रावती ने 1977 में। ये मैंने आपको बताया हरियाणा जनता पार्टी की उस समय क्या रही थी? अध्यक्ष। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी लोकसभा की बंसीलाल को हरा के। इसके अलावा ये आपका जो पुद्दुचेरी या जिसे हम पोंडीचेरी भी कह देते हैं, उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल भी रही हैं, और 2020 में 15 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। नोट कर लीजिएगा, पुद्दुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल भी रही हैं और 15 नवंबर 2020 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु। चंद्रावती बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, हरियाणा की पहली महिला विधायक रही हैं आपकी कौन? चंद्रावती। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रही है आपकी शैफाली वर्मा। देखिएगा, अगर मैं शैफाली वर्मा की बात करूं तो 28 जनवरी 2004 को इनका जन्म रोहतक में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? रोहतक में हुआ, शैफाली वर्मा को हरियाणा में लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ पर लेडी सहवाग का नाम आ गया तो आपको पता भी चल गया होगा कि शैफाली वर्मा का संबंध किससे है। इनका संबंध आपका किससे है? क्रिकेट से है। इसका संबंध क्रिकेट से है शैफाली वर्मा का। क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है शैफाली वर्मा की? इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि 15 वर्ष की आयु में ये इंटरनेशनल महिला टी ट्वेंटी टूर्नामेंट में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। और इस टूर्नामेंट में अब तक भाग लेने वाली ये आपकी सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई।
शैफाली वर्मा। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्या लिया, भाग लिया। किसने? शैफाली वर्मा ने, शैफाली वर्मा ने। इसके अलावा शैफाली वर्मा की और महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी आपके कौन, शैफाली वर्मा। संबंध कहाँ से है, संबंध है इनका आपका कहाँ से, रोहतक से संबंध है इनका, ठीक है, रोहतक से चलेगा। इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी हरियाणा से हैं, उनका नाम है मणिका शोकत। देखिएगा, मणिका शोकत का संबंध कहाँ से है, मणिका शोकत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी अपना पानी अपनी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मणिका शोकत का संबंध उचाणा कला से। उचाणा कला कहाँ पे है आपका, जींद में। उचाणा कला है आपका जींद में। मणिका शोकत का संबंध किससे है, मणिका शोकत का संबंध फैशन से है। याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, फैशन से। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 2020 जीता है मणिका शोकत ने। और इन्हें मेरा पानी मेरी विरासत, देखिएगा, इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा मेरी विरासत का क्या बनाया गया है, इसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एम्बेसडर ये क्या है, मेरा पानी मेरा विरासत, ये आपका, और भू जल संरक्षण का एक कार्यक्रम है। इसके तहत हरियाणा के उन जिलों को चिन्हित किया गया है जिनके अंदर ग्राउंड वाटर या भूजल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम, और उसी को रोकने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की क्या की गई है, शुरुआत। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मणिका शोकत। संबंध कहाँ से है आपका, संबंध है आपका इनका उचाणा कला जींद से। आगे चलिएगा, अगले नंबर पे आती है आपकी मनु भाकर। देखिएगा, मनु भाकर का संबंध कहाँ से है, इनका संबंध गोरैया गांव से। कहाँ पे है गोरैया गांव आपका, झज्जर, ठीक है, वो इनका बर्थ पैलेस रहा है। इनका जन्म 18 फरवरी 2002 में हुआ, 18 फरवरी 2002 इनका क्या रहा है, जन्म वर्ष रहा है किनका, मनु भाकर का, ठीक है। मनु भाकर का संबंध किससे है, इनका संबंध शूटिंग से है। याद रखिएगा, इनका संबंध शूटिंग से है। मनु भाकर को हरियाणा सरकार द्वारा खसरा एवं रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। खसरा और रुबेला की क्या बनाई गई है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, अच्छा। इसके अलावा मनु भाकर ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग जो फेडरेशन है, जो हर साल ISSF आपका आयोजित करवाती है शूटिंग का क्या, वर्ल्ड कप, तो शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, अच्छा। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। 2020 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया, नवाजा गया। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो
ओलंपिक में ये 10 मीटर एयर पिस्टल में रिप्रेजेंट करेगी आपकी किसको, भारत को। तो टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं आपकी किससे, मनु भाकर से। कहाँ से है, गोरैया गांव से। याद रखिएगा इनका संबंध कौन से गांव से है, इनका संबंध गोरैया गांव से है मनु भाकर। और अब की बार 2021 के जो आपके शूटिंग के जो आपके क्या है ओलंपिक गेम्स, उनमें भी ये पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा आगे चलते हैं, आपको पता है इसके अलावा और अब की बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं आपकी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट की अगर मैं बात करूं तो विनेश फोगाट का जो जन्म स्थान है वो रहा है आपका बलाली। और बलाली आपका कहाँ है, बलाली है आपका चरखी दादरी। लिख लीजिए जन्म स्थान बलाली चरखी दादरी। संबंध, संबंध इनका किससे है, कुश्ती से। संबंध इनका किससे है, कुश्ती से। अगर मैं बात करूं तो 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2020 में भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था किन्हें, विनेश फोगाट को। ठीक है, और 2021 में टोक्यो ओलंपिक जिनकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी, उनमें रिप्रेजेंट करेगी रेसलिंग में भारत को कौन, विनेश फोगाट। अच्छा और एक चीज ये भी लिख लीजिएगा बेटा नोट करके कि 2021 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, इन टोक्यो ओलंपिक में 7 कुश्ती के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं रेसलिंग में, और ये 7ों के 7ों कुश्ती खिलाड़ी आपके कहाँ से हैं, हरियाणा से। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य के जो कुश्ती खिलाड़ी हैं उनका चयन अब की बार ओलंपिक के लिए नहीं हुआ है, उनका चयन ओलंपिक के लिए नहीं हुआ है, नोट कर लीजिएगा बेटा उनका चयन ओलंपिक के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलेगा, अगले पे नंबर आता है आपका गोरी शोरांग। गोरी शोरांग लिखिएगा, गोरी शोरांग, गोरी शोरांग, गोरी शोरांग, शोरांग। 1 अगस्त 1997 बर्थ रहा है डेट आपकी किसका, गोरी शोरांग का। गोरी शोरांग का संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है गग्गरवास। गग्गरवास आपका कहाँ है, लोहारू, और लोहारू आपका कहाँ है, भिवानी। तो वहां से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। ठीक है, गोरी शोरांग का संबंध कौन से खेल से है, गोरी शोरांग शूटिंग में है, शूटर। ठीक है, इनका संबंध शूटिंग से। ठीक है, सॉरी आगे चलते हैं। गोरी शोरांग को हरियाणा सरकार द्वारा चेचक एवं खसरा, चेचक एवं खसरा का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। चेचक एवं खसरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, गोरी शोरांग को, गोरी शोरांग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 2021 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का इन्हें अध्यक्ष या चेयरमैन भी बना दिया गया है। लिख लीजिएगा 2021 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का इन्हें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, एम्बेसडर बना दिया गया है। इसके साथ साथ इन्हें हरियाणा में चेचक और खसरा का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, रानी रामपाल। देखिएगा रानी रामपाल का जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1994 को हुआ। रानी रामपाल 4 दिसंबर 1994। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रामपाल कौन है तो रामपाल इनके कोच हैं, ये अपने गुरु का नाम अपने नाम के साथ लिखती हैं।
रानी रामपाल का जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म शाहबाद में हुआ, जो कि आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है और ये हॉकी टीम की आपकी क्या है? कैप्टन है, कप्तान है। अच्छा, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में आपका हॉकी को रिप्रेजेंट करने के लिए हरियाणा से 9 महिला खिलाड़ी जा रही हैं, याद रखिएगा, और ये सबसे सर्वाधिक है। और उसी हॉकी टीम की आपकी कैप्टन भी कौन है? रानी रामपाल। बहुत उम्मीदें हैं रानी रामपाल से, रानी रामपाल से। 2019 में इन्हें वर्ल्ड टॉप एथलीट का क्या मिला है? अवार्ड मिला है, मतलब विश्व की टॉप एथलीट का अवार्ड 2019 में, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है। इसी के साथ साथ 2020 में इनको भारत का सबसे बड़ा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। एक चीज और, अब की बार जो हमारी हॉकी टीम जो जा रही है उसके कैप्टन और उपकप्तान दोनों ही कहाँ से हैं आपकी? हरियाणा से हैं। सविता पूनिया 11 जुलाई 1990। देखिएगा, सविता पूनिया 11 जुलाई 1990 को जन्म हुआ। कहाँ पर? जोधका। कहाँ पे है आपका? यह है आपका सिरसा, ठीक है। सविता पूनिया का संबंध आपका कौन से खेल से है? इनका संबंध भी किससे है? हॉकी से। और हॉकी में ये क्या है? ये उप कप्तान है, डेप्टी कैप्टन है, ठीक है। आपकी कौन? सविता पूनिया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भी ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, 2017 में इनको बेस्ट गोलकीपर का भी अवार्ड दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि इंडियन हॉकी टीम में किस पे है, तो आप याद रखिएगा, ये इंडियन हॉकी टीम में और आपकी क्या है? गोलकीपर है। इसके अलावा हरियाणा का जो आपका कौन सा जिला है? सिरसा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी कौन है? सविता पूनिया। सविता पूनिया याद रखिएगा बेटा। आगे चलते हैं, देखिएगा, शतरंज। देखिएगा, क्वेश्चन मैंने देखा था कि पहली ओएसी कौन सी हरियाणा की शतरंज की महिला खिलाड़ी है? पहली हरियाणा की ऐसी कौन सी शतरंज की महिला खिलाड़ी है जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता? कौन सी ऐसी महिला शतरंज की खिलाड़ी है हरियाणा से जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता? तो याद रखिएगा, उनका नाम है अनुराधा बेनीवाल। संबंध कहाँ से है? संबंध है महम, और महम आपका कहाँ पे है? रोहतक। नोट कर लीजिएगा बेटा, हरियाणा शतरंज की महिला खिलाड़ी कौन है आपकी? अनुराधा बेनीवाल। अच्छा, एक ये और क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ऐसी कौन सी महिला है हरियाणा से, प्रथम हरियाणा की महिला जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यास सम्मान से नवाजा गया? हालांकि जो व्यास सम्मान है वो आपका किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा से कौन सी ऐसी महिला है जिनको व्यास सम्मान मिला? तो एक नाम याद रखिएगा बेटा, उनका नाम है कमला चमोला।
एकमात्र ऐसी पहली हरियाणा से महिला रही हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार व्यास सम्मान से नवाजा गया। आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लास आज समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर। ये चर्चित महिलाएं पार्ट वन है, अगली वीडियो में आपको चर्चित महिलाएं पार्ट टू मिलेगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा।